फरवरी 10 संत स्कॉलास्टिका। संत स्कॉलास्टिका संत बेनेडिक्ट की जुड़वा बहन है। इटली में एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ था। संत स्कॉलास्टिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञात नहीं हैं, पर जब अपने भाई मोंदे कासिनो में वास करने लगे तो वह भी वहां से 8 किलोमीटर दूर पोलम पारियोला में रहने लगी। संत बतार्तियुस के अनुसार संत स्कॉलास्टिका बहुत से स्त्रियों को ख्रिस्त पुण्यों की ओर आकर्षित किया। संत बेनेडिक्ट का नियम संहिता का पालन करते हुए वह उस आश्रम की सुपीरियर का कार्य निभाई। साल में एक बार वह अपने जुड़वा भाई संत बेनेडिक्ट को मिलने जाती थी और उस दौरान आध्यात्मिक जीवनचर्य के बारे में चर्चा करती थी। आश्रम के प्रवेश लेने की अनुमति ना होने के कारण आश्रम के बाहर वे दोनों पास में एक भवन में बैठकर बातें करते थे। उनके आखिरी मिलन के दिन संध्या होने के कारण संत बेनेडिक्ट जाने के लिए तैयार होने पर वे उन्हें थोड़ी देर और रुकने का आग्रह किया, पर संत बेनेडिक्ट ने आश्रम के बाहर रात को ना रहने का बात कहकर उनके आग्रह को ठुकरा दिया। तुरंत ही संत स्कॉलास्टिका ने घुटने में खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक वहां भयंकर तूफान और बारिश होने लगी, जिससे संत बेनेडिक्ट और उनके शिष्य वहां से विदा लेने नहीं सके। संत बेनेडिक्ट के पूछने पर उन्होंने कहा, आपने मेरे आग्रह को ठुकराया, तब मैंने ईश्वर से पूछा। उसी रात वे दोनों स्वर्ग राज्य के बारे में चर्चा किए। उसके 3 दिन बाद संत स्कॉलास्टिका स्वर्ग की ओर प्रस्थान की। संत बेनेडिक्ट को वे स्वर्ग चढ़ते हुए दर्शन मिला। प्रार्थना। हे संत स्कॉलास्टिका, आपके जैसे अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के प्रति प्रार्थना करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।